बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत सियाल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले अभी जाके शवेज से मिलना है, क्योंकि शवेज जो है माशाल्लाह से अब 6 मंथ का हो गया, तो उसकी जो डिमांडें हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो उसके लिए कुछ ये है कि घर वालों ने कुछ हमें बताया था कि उसको ना सॉलिड फूड का स्टार्ट करना है, तो वो आज कुछ ट्राई करते हैं। दूसरा ये है कि शवेज के वाशरूम में कुछ चेंजेस करने वाली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, बस छोटी सी चेंजेस हैं, तो वो करनी है। और दूसरा ये है कि आज हमारे घर में नेट लगना है, वो नेट लगाने वाले हैं वो भी आएंगे, उन्होंने नेट भी लगाना है और साथ में टीवी की केबल भी लगानी है। तो आए चलें, सबसे पहले तो शवेज से मिलते हैं, बाकी ये काम फिर बाद में करते हैं। शवेज कहाँ है भाई? शवेज, अभी हम शवेज के पास आ गए हैं। शवेज को देखो जी, वो बड़े मजे से ईस्टर्न कपड़े पहन के, ये दादू के दिए हुए कपड़े पहन के आज बड़े मजे से बैठा हुआ है। हाँ जी शवेद, क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? चौधरी साहब बन के बैठे हुए हैं शवेद, ये क्या हो रहा है? शवेद जो है वो माशाल्लाह अब ना 6 मंथ का हो गया है, तो अपना बड़ा हो गया। अब उसकी ना नई नई डिमांडें आ रही हैं, अब वो नई डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी? क्या डिमांड है? हाँ जी, अच्छा, ये कह रहा है कि आप मुझे ना नए नए खाने खिलाओ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आज ना इसकी कोई डिमांड पूरी करते हैं। आज इसका नया खाना हमने कुछ सोचा है, वो आज इसको खिलाना है। आज हमने ना वो आज इसकी डिमांड पूरी होगी। हाँ जी, क्या खाना है आपने? क्या खाना है? हाँ जी, अच्छा अच्छा जी, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। अच्छा, और क्या खाना आपने? हाँ जी, इस दफा हम इस वीकेंड पे घर थे, मुहर्रम था तो हम घर पे थे। शवेज भी अपनी दादों और नानों से मिल के आया अभी रिसेंटली, बड़ा फ्रेश हो गया है। तो उन्होंने डिफरेंट हमें रेसिपीज बताई थी कि आप शवेज को ना नई नई रेसिपीज बना के दें, क्योंकि अब वो 6 मंथ का हो गया, तो अब बड़ा हो गया, वो उसको ना सॉलिड फूड दें। तो एक रेसिपी हम सीख के आए हैं, वो बड़ी पुरानी रेसिपी है, पुराने ज़मानों से चलती आ रही है मेरे ख्याल में। तो वो उन्होंने कहा कि ये शवेज को ट्राई करें, ये उसको पसंद भी आएगी और ये खाएगा शौक से। तो अभी हम वो रेसिपी भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे और शवेज को खिलाएंगे भी। तो शवेज का रिएक्शन भी चेक करेंगे, क्या इसको वो पसंद भी आती है या नहीं। तो ये इसके जब ये खाएगा तभी आपको पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं, वो रेसिपी बनाते हैं और शवेज को खिलाते हैं। न्यू खाना आपके लिए तैयार करें आपने खाना? हाँ जी, ये कह रहा यस, इतना ज्यादा तंग ना करो मुझे, जल्दी जल्दी बना के दो मुझे, ताकि मैं ट्राई करूं कुछ नया खाने को मुझे मिले। दूध पी पी के मैं थक गया हूँ। ऐसे एक भैया है, इनसे आज हमने नेट और केबल लगवाने हैं, तो वो ये सामान छोड़ के गए हैं ऊपर छत पे, गए हैं तार लेने, वो आ जाते हैं तो फिर ये सारा सेटअप उन्होंने लगाना है। तो ये भाई हैं, केबल और नेट दोनों का काम करते हैं इस एरिया में, तो ये अपना काम कर रहे हैं और आज केबल और नेट दोनों लगा के जाएंगे। नेट वाले भाई हैं, वो केबल और नेट लगा के गए हैं। केबल जो है वो लग गई है और टीवी भी वो फिक्स कर गया कि उसकी केबल की तारें वगैरह कनेक्शन वगैरह सारे हो गए, लेकिन अभी केबल ऑन नहीं हुई। वो कह के गया है कि कल तक ऑन हो जाएगी, उन्होंने ऑफिस से इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। और इसी तरह जो हमारा नेट था, ये राउटर लगा दिया ऊपर, ये राउटर भी लग गया है, तो नेट अभी ऑन हो गया। ये अभी गया है उसने जाके ऑफिस में जाके इसकी सेटिंग वगैरह की है और ये नेट ऑन हो गया है, अभी नेट आ रहा है हमारा जो। तो फाइनली ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो शवेद है वो अभी बाहर आ गया और वो अभी ना सोफे पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि आज मेरे लिए क्या स्पेशल बन रहा है ना। ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या खाना है आपने? इतना अभी हम इसकी जो है ना रेसिपी तैयार करते हैं और इसकी रेसिपी जब तैयार हो जाएगी तो ये खाएगा। खुश हो रहा है, बहुत हैप्पी हैप्पी हो रहा है। तो ये आज इसको रेसिपी बना के देते हैं और देखते हैं कि ये शौक से खाता है या नहीं खाता। शवेज की डिश हम रेडी कर लेते हैं। शवेज की डिश के लिए जो हमें सामान चाहिए, उसमें दूध है और ये सूजी है,
शरीर को बहुत जल्दी हो रही है खाने की ना। सब्र करो बेटा, सब्र करो। सब्र करो, आपको सब्र करना होगा। सब्र करें, पेट करें, खाना बन रहा है आपका। वो जल्दी हो रही है, वो जल्दी हो रही खाने की। आपको वेट करना होगा खाने के लिए। वेट करो बैठ के, वेट करो। शाबाश। तो शवेज की जो डिश है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो उसमें है पहला दूध है, और दूसरे नंबर पे ये सूजी है। लेकिन ये सूजी जो है ना, स्पेशल सूजी है और भुनी हुई सूजी है। इसको ना पहले लाइट सा फ्राई किया हुआ है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है शुगर। ये तो है, बनाते हैं कैसे बनानी है वो आप साथ साथ देखते जाएगा कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हमने दूध इसमें फ्राई पैन में ऐड कर लिया है। उसके बाद ये दूध जो है ना गर्म हो गया, तो इसमें ये हम सूजी ऐड कर लेते हैं। शवेज की जो डिश है वो रेडी हो गई है। इसमें बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध है, सूजी है और चीनी है। शवेज को ट्राई करवाते हैं कि उसका क्या, उसको पसंद आती है या नहीं आती है ना। तो आए शवेज, टाइम आ गया फाइनली। शवेज जो है बेसब्री से इंतजार कर रहा है ऐसे ना। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो शवेज बेटा, स्टार्ट करो, खाना स्टार्ट करो। ये देखो, हेलो, ये न्यू है, समथिंग न्यू। हाँ जी, शवेज जो है माशाल्लाह बड़े मज़े से खा रहा है। हलवा जो बना ना, बड़ा टेस्टी लग रहा है इसको। अभी उसको एक्चुअली ना फर्स्ट टाइम है, तो अभी मुंह खोलना नहीं आता सही तरह प्रॉपर था। तो लेकिन जब उसके मुंह के अंदर चला जाता है ना, वो फिर बड़े मज़े से खाता है। शाबाश शवेज। शवेद ने जो है सूजी का हलवा ट्राई कर लिया है। दरमियाना मूड था उसका, ना बहुत ज़्यादा उसने खुश होकर खाया है, ना बहुत बुरा मूड बनाया है। दरमियाना उसको टेस्ट लगा है, तो एवरेज था, एवरेज उसको पसंद आया। अभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। अभी उसकी वो यूज टू भी नहीं है ना चीज़ें खाने की, तो ऐसा ऐसा यूज टू होगा तो उसका मूड जो है ना अच्छा बनता जाएगा। शवेद ने खाना खा लिया है, अभी शवेद को रेस्ट पे छोड़ते हैं ऐसे। हाँ जी, वो भी थक गया, वो कहता मुझे अब लेट के हजम करना है। तो ये लेट के हजम करता है, तब तक हम जो है शवेद के वॉशरूम का जो काम है वो कर लेते हैं। चलो शवेद, आप लेट जाओ, आप यहाँ पे लेट जाओ, आप यहाँ पे लेट जाओ ऐसे। चले हजम कर लेते, हजम कर लेते। वॉशरूम का जो काम होने वाला है वो ये है कि यहाँ पे ये विंडो लगी हुई है, इसका यहाँ पे शीशा जो है ये ब्लाइंड नहीं है, तो इसको ना ब्लाइंड करना है। इसको यहाँ तक ब्लाइंड कर दी जाए तो वो ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। तो ये चीजें खाली कर लेते हैं। तो इसके लिए ये एक शीट और ये एक कोई गम है इसको चिपकाने के लिए ना स्पेशल, कागज को शीशे को भी चिपका देती है। तो ये मैंने लगानी है अभी। पेपर जो है बड़ी नफासत से, उम्दगी से जो है ना लग गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। इट्स डन। तो फाइनली सारे काम निपटा के अभी बैठे हैं शवेज के पास, और शवेज के साथ आप गपशप होगी। हाँ भी शवेज, गपशप के लिए रेडी हो? यस, वो कह रहा है कि यस आई एम रेडी फॉर गपशप। तो शवेज साहब गपशप लगाएंगे और सारे काम भी हो गए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लिया करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।